लिथियम, जिसे आज के तारीख में व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर ग्रोइंग कंट्रीज के लिए। वेल गाइस, खबर कुछ ऐसी है कि 9 फरवरी को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि जम्मू के रिसाई डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम रिजर्व मिला है। 5.9 मिलियन टन्स का लिथियम रिजर्व मिलना इंडिया जैसे डेवलपिंग देश जो हर साल 1.2 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के बैटरीज इंपोर्ट करता है, उसके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल द हिस्टोरिक वर्ल्ड में। मैं हूँ आपकी होस्ट सैमी और हमारे आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाइट गोल्ड लिथियम के बारे में और इंडिया के लिए ये कैसे एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, ये सब हम समझेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, लिथियम एक ऐसा मेटल है जो आज की डेट में बहुत यूज होता है और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। गाइस, लिथियम एक ऐसा मेटल है जो आज की डेट में बहुत यूज होता है और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। हम सब ने हमारे 10th स्टैंडर्ड के साइंस बुक में लिथियम के बारे में पढ़ा था। लिथियम एक केमिकल एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में आता है और ये अल्कलाइन मेटल है। बेसिकली लिथियम सबसे हल्का मेटल है सारे सॉलिड मेटल्स में से। ये देखने में व्हाइट और शाइनी होता है और काफी सॉफ्ट भी होता है, इसलिए इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होने पर ही इसे आसानी से रिफाइन कर सकते हैं। लिथियम का इस्तेमाल बैटरीज, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स जैसी चीजें बनाने में यूज होता है। देखा जाए तो लिथियम के बिना इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाना एकदम नामुमकिन है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट के रिसर्चर्स ने कर्नाटक स्टेट में भी लिथियम रिजर्व की खोज की थी। वहाँ 14,000 टन का लिथियम मिला था, बट ये बहुत ही छोटा अमाउंट है लिथियम का। दुनिया में अब तक 3 मेजर कंट्रीज हैं जहाँ सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व मौजूद है। 2022 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बोलीविया में सबसे ज्यादा, दैट इज 39 मिलियन टन ऑफ लिथियम रिजर्व मौजूद है। बोलीविया के पास ही चिल और अर्जेंटीना, ये दोनों देशों में भी बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ लिथियम की खदान मौजूद है। वेल, इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट कंट्री बन गया है लिथियम रिजर्व कंट्रीज के लिस्ट में। 5.9 मिलियन टन लिथियम को निकालना और उसे रिफाइन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। एडवांस टेक्नोलॉजीज की मदद से ही ये सब पॉसिबल हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिथियम की ये डिस्कवरी ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन एमिशन की प्रॉब्लम से निपटने में बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। वेल, इंडिया में 2030 तक 30% प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी इस लिथियम रिजर्व की वजह से। ये खदान भारत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। लिथियम का इस्तेमाल बहुत सी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स को बनाने में किया जाता है जो आज इंडिया दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। आने वाले टाइम में बैटरीज का उत्पादन यानी प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा, तो इसकी कीमत कम होगी अभी के मुकाबले में। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसकी बैटरी। अगर बैटरी सस्ती होगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी सस्ते बिकेंगे इंडिया में और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदेंगे। इंडिया बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और भी बहुत सी चीजें मैन्युफैक्चर करके दूसरे देशों को इम्पोर्ट कर सकता है। इसी तरह 2070 आने तक हमें इंडियन इकोनॉमिक में बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने मिलेगा, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। देखा जाए तो इन सारी चीजों को होने में अभी काफी वक्त है, क्योंकि भारत के लिए जरूरी है नई टेक्नोलॉजीज लाना जिसके मदद से ये लिथियम को आसानी से रिफाइन किया जा सके। लिथियम को निकालने के लिए सबसे पहले जमीन की परत हटाई जाती है, पत्थरों को तोड़ा जाता है, फिर पानी की हेल्प से लिथियम को बाकी एलिमेंट से अलग किया जाता है। रिफाइनिंग का ये काम सबसे अच्छे तरीके से चाइना में होता है। चाइना ने बहुत ज्यादा खर्च किया है अपनी टेक्नोलॉजीज बेहतर करने में और लीडिंग कंट्री है लिथियम प्रोडक्शन का। पांगफान लिथियम और टिंकी लिथियम, ये दोनों चाइनीज कंपनीज है जो सबसे ज्यादा लिथियम एक्सट्रैक्ट करके रिफाइन करती है। वेल गाइस, सही प्लानिंग और न्यू टेक्नोलॉजीज के मदद से उम्मीद है कि लिथियम का सही इस्तेमाल हो बिना कोई वेस्टेज के। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।